बढ़िया होगा तो लोग खरीदेंगे, इस सोच के साथ एक पेन की शुरुआत हुई और आज उस पेन के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं पार्कर पेन की, जिनके फाउंडर का नाम जॉर्ज सेफर्ड पार्कर था। जॉर्ज सेफर्ड शुरुआती दिनों में अमेरिका के एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने पढ़ाने के अलावा उन दिनों एक पेन बेचा करते थे और वह जिस पेन को बेचा करते थे उस समय वो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं टिकती थी और इसके साथ ही साथ पेन की स्याही भी लीक हो जाती थी, जिसके कारण स्याही जल्द ही खत्म हो जाती थी। बस यही सब परेशानियों को देखते हुए उन्होंने पेन को सुधारने की सोची और उनकी कमियों को दूर करना चाहा और लगभग एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने इस अनोखे पेन को बना डाली और आज ये पेन मार्केट में अलग पहचान बनाई हुई है। जहाँ भी पेन खरीदने जाओ बस जुआ एक ही नाम होता है, पार्कर। गाइस, ये जॉर्ज सेफर्ड साहब का अंदाज से हमें ये सीख मिलती है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे मैसेज के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक।